আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাহমাতিল আলামিন সাইয়্যিদিনা ওয়া নাবিয়িনা ওয়া কায়েদিনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মান ওয়ালা ইলা ইয়াউমিদ্দিন। قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير। معزز سامعین, आप सभी को मेरा सलाम तहिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुबहानहु व तआला वालिदैन की खिदमत से जुड़ी हुई तलकीन करते हुए इरशाद फरमाते हैं, हमने ख़ास कर इंसान को वसीयत की है बिवालिदैही, ये ख़ास वसीयत किस ज़मन में है, किस लिए है, बिवालिदैही उसके अपने वालिदैन के ताल्लुक़ से। अल्लाह कितने रहीम हैं, कितने शफीक़ हैं, अल्लाह कितने करीम हैं। देखिए, हमारा भी अल्लाह को ख़्याल है, हमारे वालिदैन का भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला को ख़्याल है। तो अल्लाह सुबहाना तआला फरमाते हैं कि हमने वसीयत की इंसान को उसके अपने वालिदैन के ताल्लुक से, वालिदैन हमारे हैं लेकिन अल्लाह सुबहाना तआला वसीयत कर रहे हैं। क्यों वसीयत की वजह क्या है? हमलतु उम्मुहु वहनन अला वहन, कि उनकी माँ ने उन्हें दर्द पर दर्द को, तकलीफ पर तकलीफ को, बोझ पर बोझ को बर्दाश्त करते हुए आया है। क्या हमारा जिस्म खुद हमारे लिए एक वजनी चीज़ है, वैसे सोचिए कि तकरीबन कम से कम अगर आप लेते हैं 5 महीने की जो मुद्दत होती है उसमें 2 किलो का लोथड़ा और साथ में पानी को मिला लिए तो और कुछ किलो, 4-5 किलो भी अगर आप लेते हैं पेट में लेकर फिरना 2400 घंटे, थोड़ी देर के लिए नहीं, इतने मशक्क़त का काम, इतनी तकलीफ़ का काम, लेकिन हमारी माँ ने उसको बर्दाश्त किया, खुशी से हमारे लिए अपनी खुशी को कुर्बान की, हमारे सुख के लिए अपने नींद को कुर्बान किया। तो हमें अपने वालिदैन के तई, अपने वालिदा के तई कितना मोहसिन होना चाहिए, कितना अच्छा बर्ताव हमारा होना चाहिए। अल्लाह सुबहानहु तआला इसका जिक्र करते हुए फरमाते हैं वफिसालहु फी आमैन, का पेट में जब था तभी ये तकलीफ़ उसको थी, जब हम बाहर आए और सिर्फ खाने पीने की उम्र को पहुंचने तक पूरी मुद्दत को आप शामिल कर लेंगे 2 साल की, 2 साल की अपनी ज़िंदगी को एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या है कुर्बान कर देती है। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं अनिशकुरी, कि तुम्हें मेरा शुक्रगुजार बनना चाहिए इसलिए कि मैंने तुम्हें पैदा किया है, लेकिन और तुम्हें अपने वालिदैन का शुक्रगुजार होना चाहिए, खासकर माँ का, क्योंकि उसी ने तुम्हें ढोया है, उसी के कोख से तुम जन्म लिए हो। अनिशकुरली वली वालिदैक व इलैयल मसीर, ये मेरी वसीयत है, मैं नसीहत कर रहा हूँ, मैं वसीयत कर रहा हूँ, इस वसीयत को मानोगे तो फ़ायदे में रहोगे, अगर इस वसीयत को तुम नहीं मानोगे तो नुकसान तुम्हारा ही है। बिल आखिर तुम कितने भी बड़े हो जाओ, कितना भी कमा लो, करोड़ों की प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाए, इज्जत हो जाए, ओहदा हो जाए, मनसब हो जाए, दुनिया के बड़े से बड़े ओहदे पर तुम फाइज हो जाओ, बिल आखिर तुम्हें किसकी तरफ लौटना है? अल्लाह सुबहानहु तआला की तरफ लौटना है। तब अल्लाह सुबहानहु तआला अपने हक के बाद, रसूल के हक के बाद किस हक के ताल्लुक से बताएंगे, पूछेंगे? वालिदैन के हक के ताल्लुक से अल्लाह सुबहानहु तआला पूछेंगे। चुनाचे मुअज़्ज़ज़ सामईन, अल्लाह सुबहानहु तआला ने बहुत ही अच्छा लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल किया है, अनिशकुर ली, यानी
किसी को हम मदद करते हैं, किसी का ताउन करते हैं, तो अंदर से हमारे एक फीलिंग होती है कि कम से कम वो आदमी हमारे उस खिदमत को पहचान है कि नहीं। अगर वो हमारी मदद नहीं करता अलग बात, लेकिन एक चीज़ होती है कि कम से कम वो नज़रअंदाज ना करे। तो अल्लाह सुबहाना ताला के कितने एहसानात हमारे ऊपर है कि नहीं, कितने एहसानात। तो एक वाकया बताते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। एक शख्स जा रहे थे बाजार से, तो देखा कि ज़ोर से एक शख्स जो है अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लनी अला कथीरिम मिम्मन खलक तफ़ज़ीला, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़नी कथीरिम मिम्मन खलक तफ़ज़ीला फ़ज़्ज़लनी अला कथीरिम, कि अल्लाह ने जितने लोगों को पैदा किया है बहुत सारे लोगों पर मुझे अल्लाह ने फजीलत दी है, मुझे अल्लाह ने फजीलत दी है, इसका मैं अल्लाह का भरपूर शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, बोल रहा है कोई। और लोग जो है पूरे उसके इर्द गिर्द जमा हुए, अरे साहब भी गए, क्या माजरा क्या है, कौन है यह साहब इतनी ज़ोर ज़ोर से अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जाकर देखे तो दोनों आँख से अंधे, दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं, दोनों आँख भी नहीं है, दोनों हाथ भी नहीं है, दोनों पैर भी। उनको बड़ा ताज्जुब हुआ क्योंकि शिकायतें हमको अल्लाह से बहुत सारी होती है नहीं, कितनी शिकायतें करते हैं, अल्लाह ने मेरे साथ क्यों किया, अल्लाह ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों का ये हो रहा है क्या। तो उन्होंने कहा क्या बंदे, क्या किस चीज़ का शुक्र अदा कर रहे हैं, तुम्हारे चीज़ है तो पास है ही क्या, चलने के लिए तुम्हारे पास पैर नहीं है, कोई भी चीज़ करने के लिए हाथ नहीं है, देखने के लिए बिनाई नहीं है, तुम देख नहीं सकते, कर नहीं सकते, चल नहीं सकते, किस चीज़ का अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो उस बंदे ने जवाब दिया था, मैं इस चीज़ का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें भले मेरे पास नहीं है लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करने की ज़बान अल्लाह ने मुझे दी, अल्लाह का जिक्र करने वाली ज़ुबान अल्लाह सुबहाना ताला ने मुझे दी, जबकि ये सब जिसके पास है, हाथ है सही सलामत है, पैर है सही सलामत है, आँख है सही सलामत है, हम देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, क्या हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। उसकी बनिस्बत अगर हम देखें तो इसी हिसाब से हमें शिकायत वालिदैन से होती है, मेरे वालिद ने मेरे लिए नहीं किया, मेरी माँ ने मेरे लिए नहीं किया, मेरे वालिद जो है मेरे बीवी के ताल्लुक से उन्होंने नाइंसाफ़ी की है, मेरे वालिदा जो है मेरे बच्चों के ताल्लुक से नाइंसाफ़ी कर रही हैं, शिकायतें हज़ार शिकायतें है कि नहीं, बल्कि लिस्ट बनाकर बल्कि आप जाएंगे तो आपको लंबी लिस्ट ही सुना देंगे। लेकिन कितने एहसानात उनके हमारे हम पर हैं, आज हम जिस पोजीशन में भी हैं क्या उनकी दुआओं का असर नहीं है उसमें, तो क्या हमें उनका शुक्रगुजार नहीं बनना चाहिए, उनकी खिदमत करके हमें दुनिया व आखिरत की ज़िंदगी नहीं बनाना चाहिए। तो माज़रतामईन मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आज मुस्लिम माशरे में, मुस्लिम माशरे में, दीगर माशरे की बात मैं नहीं कर रहा, मुस्लिम माशरे में बच्चों की सोच कैसी है, बड़ी जायदाद, अब वालिद है या वालिदा है मिसाल के तौर पे जिंदा है बकैद हयात हैं तो इनके लिए भारी, उसके बाद वो लिखकर देने के लिए तैयार नहीं है तो इनके लिए भारी। तो सोच बच्चों की ये होती है कि कैसे इनको रास्ते से हटाया जाए, कैसे इनको जो है दूर किया जाए, बल्कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो वालिदैन की मौत की तमन्ना करते हैं कि ये कब जाएंगे, कब हम जायदाद को बांटेंगे, ऐसा। और दूसरी तरफ देखेंगे अगर वालिदैन बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं और बड़ी रकम जो है वहाँ खर्च करने की ज़रूरत पड़ रही है, या कुछ ज़मीन जायदाद उन्हीं की कमाई हुई ज़मीन जायदाद है खर्च करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर ऐसे भी लोगों को देखने तजुर्बे में जो है देखने को मिलता है कि वो पॉइजन वाली इंजेक्शन देने के लिए बात करते हैं कि अब जो है ये जीने वाले नहीं हैं, अब इनके ऊपर पैसा खर्च करके बेकार है, अब ऐसा खर्च करते रहेंगे तो हम जो है गरीब हो जाएंगे, फ़कीर हो जाएंगे, चल इनको ख़त्म करते, ऐसे भी बच्चे देखे जाएंगे। और इसी तरीके से आप देखें कि वालिद या वालिदा बीमार हैं और लंबी मुद्दत तक बीमार हैं, घर में हैं, खांसी है उनको, कभी खून पड़ता है, नहीं कई मसाइल का सामना होता है ना, कोई ख़ानदानी चीज़ें भी कुछ होती हैं। तो अब बीवी की बात सुनकर या दीगर लोगों की बात सुनकर माँ के बिस्तर को या बाप के बिस्तर को घर के बाहर लगा दें, घर के बाहर
सख्त धूप में भी घर के बाहर हैं और बारिश पड़ते वक्त भी घर के बाहर, और खाना देना बंद कर देते हैं, कोई भी चीज़ नहीं, दवाई नहीं, कुछ भी नहीं। अगर कोई जाकर उनकी खैर खैरियत दरियाफ्त करता है तो उस पर भड़क जाते थे। बिल आखिर ऐसे तड़पते तड़पते वालिदैन मर भी जाते हैं, ऐसे वाक़े आंखों से देखे गए। ये मामला हमारा किसके साथ है? हमारे अपने वालिदैन के साथ है, जिनके साथ हुस्ने सुलूक का मामला करने की तलकीन वसीयत किसने की है? रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह सुबहाना तआला ने की है। लेकिन हम में कितने लोग हैं जो जुबान चलाते हैं, गाली देते हैं वालिदैन को, कितने लोग हैं जो वालिदैन को पीटते हैं गली में। शाम होते ही नौजवानों की हालत है, देखा हुआ वाकया मैं बता रहा हूँ आपको। नौजवान क्या था, शाम होते ही पीकर आते हैं और जो उनके ज़ुबान में आता है वो ओल फोल गालियाँ, कच्ची कच्ची गालियाँ जो है वालिदैन को देते हैं। वजह कोई ज़मीन का मामला होता है, कोई जायदाद का मामला होता है, या घरेलू कुछ मसाइल होते हैं, लेकिन सुबह से शाम तक उनकी इज्जत बरकरार रहती है, शाम होती ही पूरी इज्जत जो है गली के हवाले हो जाती है। तो क्या हम ऐसे ही औलाद बनेंगे, ऐसे ही सुलूक के साथ अल्लाह सुबहाना तआला के दरबार में हम जाएंगे? क्या अल्लाह सुबहाना तआला हमारे इस सुलूक के बदले में जन्नत दे देंगे? चुनांचे अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, उनके पास एक शख्स आया तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, क्या तुम जहन्नम से बचना चाहते हो? जी मैं जहन्नम से बचना चाहता हूँ। फिर उन्होंने, क्या तुम जन्नत में दाखिल होना चाहते हो? तो उस शख्स ने कहा, जी हाँ मैं जन्नत में दाखिल होना चाहता हूँ। तो अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा, क्या तुम्हारे वालिदैन में कोई एक जिंदा है? तो उसने कहा कि मेरे वालिद का तो इंतकाल हो चुका है, लेकिन वालिदा मोहतरमा जिंदा है। तो उस वक्त अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ऐ काश के तुम उससे नरमी से बात करते, ऐ काश के तुम उसे छोटे छोटे निवाले बनकर खिला बनाकर खिलाते, अगर तुम ऐसा कर लोगे तो ज़रूर तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हाँ कबीरा गुनाह से तुम बचे रहना। देखिए माँ बाप की खिदमत हमें कहाँ ले जाती है? जन्नत में ले जाती है। चुनांचे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नत, जन्नत के कई दरवाजे हैं। सुने होंगे आप रमज़ान में कई बार हम सुनते हैं बाबुर रैयान, बाबु यही हमको बाय हार्ट है, इसी को हम याद रखते हैं ज़्यादातर, है ना? दीगर दरवाज़ों का इल्म हम इतना नहीं। यहाँ एक दरवाज़ा है जो वालिदैन का है और वो बीच का दरवाज़ा है, साइड के दरवाजे नहीं, मेन डोर। औसत अबवाब जन्नत, मेन डोर कौन है? वालिदैन का दरवाज़ा है। इस दरवाजे से कौन जाएंगे? बाबुर रैयान से रोज़ा रखने वाले जाएंगे, बाबुल सलात से नमाज पढ़ने वाले जाएंगे, बाबुल ज़कात से ज़कात देने वाले जाएंगे, है क्या नहीं? बाबुल हज से हज करने वाले जाएंगे, बाबुल जिहाद से जिहाद करने वाले जाएंगे, लेकिन इस दरवाजे से कौन जाएंगे? हम जैसे नाफरमान जाएंगे इस दरवाजे से? हरगिज नहीं, हमें एंट्री नहीं मिलेगी वहाँ। हम जब फरमा बरदार बनेंगे, वालिदैन की बात सुनेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, उनके साथ उसने मामला करेंगे और हमारी कला बात को हम एकदम जो है एहतराम के साथ उनके साथ करेंगे, तभी अल्लाह सुबहान तआला इस दरवाजे से दाखिल होने की तौफीक देंगे। चुनांचे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तेरे वाले जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है, चाहे तू उसकी हिफाजत कर या ज़ाया कर, चाहे तू उसकी हिफाजत कर या ज़ाया कर। क्या माना है इसका? हम बहुत बार सुने हैं, हाँ मैं यही बता रहा हूँ आपको, यही बता रहा हूँ। मेरी वालिदा, मेरे वालिद मेरे ही गांव में चार कदम की दूरी पर हैं, मेरे बच्चों को मैं दिन में 10 बार देखता हूँ, 20 बार प्यार करता हूँ, उनकी ख्वाहिशात को पूरी करता हूँ, अगर मांगते भी नहीं है तो क्या क्या ट्रेंड है वो सारी चीज़ें लाकर मैं उनकी गोद में निछावर करता हूँ। मेरे बच्चों के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, मेरी बीवी के लिए मैं ऐसा करता हूँ, जितना माल मांगती है दे रहे हैं, जो जो साड़ी मांगती है उसको दिलवा दे रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही। लेकिन क्या हमारा मामला हमारे वालिदैन के साथ ऐसा है? हम अपने बच्चों के लिए घर बना रहे हैं लेकिन बोसीदा घर में ही वालिदा रह रही है, उसको अपने घर में लाने की तकलीफ हम नहीं करते क्योंकि बीवी नाराज़ है या उनसे झगड़ा होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये सारे मसाइल। गौर करें, उसी गांव में रहते हैं, ऐसे ऐसे औलाद को भी आप देखेंगे कि वो हफ्ता ने 10 दिन ने महीना 2 महीना 3 महीने बल्कि 6 महीना भी हो जाते हैं, ज़ियारत की बात तो दूर, फ़ोन कॉल भी नहीं करते,
उसी गांव में रहा। बीमार है, तड़प रही है, कोई उसका देखभाल करने वाला नहीं है, पुरसा ने हाल नहीं है, डॉक्टर के पास ले जाने वाला नहीं है, बेटा बेटी के पास गाड़ी है, सारी चीजें सहूलतें हैं, उसी गांव में है, करीब है, लेकिन उस माँ की देखभाल उपलब्ध नहीं कर। कौन सी दुश्मनी हम हमारी माँ के साथ निकालना चाहते हैं? कौन सा जुल्म उसने हमारे साथ किया है कि हम बदले में उसके साथ जुल्म का रवैया करते हैं? अगरचे उसने जुल्म भी किया, क्या हमें भी जालिम बनना चाहिए? हमारा मामला भी उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए? तो मोहतरम सामाइन, वालिदैन बहुत बड़ी नेमत हैं। गोया आप यहाँ शहीद पार्क जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर समझे, कैसे आपकी तैयारी होती है शहीद पार्क के लिए? आप फैमिली के साथ जाना चाहते हैं तो बड़ा पार्क है, आप सोचेंगे ये करेंगे तो 2-3 घंटा हम गुजारेंगे वहाँ, तो उसके लिए क्या क्या इंतजाम होते हैं, सारे करके जाते कि नहीं? ये मामूली बगीचा है, जन्नत के सामने इसकी कोई कीमत है? सोचिए थोड़ी देर के लिए आप, जन्नत के सामने इस बागीचे की कोई कीमत? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जन्नत में आपको एक तीर रखने की जगह मिल जाए तो दुनिया और दुनिया में सारी जो दौलत है उससे बेहतर है। तीर रखने की जगह, जबकि अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे बाप है, उनको देखना जन्नत को देखना है, गार्डन को देखने के लिए इतना हम तैयार होते हैं, वालिदैन के लिए, वालिदैन से ज़ियारत करने के लिए हमारा दिल नहीं करता, हम नहीं जाते। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये वालिदैन हैं। हमारे असलाफ में से कुछ लोग रोते थे, जब सबब पूछा गया क्यों रोते हो, तो उन्होंने कहा कि मेरे वालिदैन थे, वो मेरी जन्नत थे। अब दोनों का इंतकाल हो गया है, जन्नत का वो दरवाज़ा बंद हो गया, अब मैं उनकी खिदमत नहीं कर सकता, मैं जन्नत का मुस्तहिक अगर अब बनना चाहूँ खिदमत के जरिए, वालिदैन की खिदमत के लिए, वो मौका मुझसे मेरे हाथ से निकल चुका है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम में से कई लोग हैं जिनके वालिदैन बकायदे हयात हैं, जिंदा हैं, हमें अभी भी होश संभालना चाहिए, वालिदैन के साथ हुस्न मामला हमें करना चाहिए। बहरहाल दो बातों से मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा तूल ना देते हुए। उसमें से एक बिलियनियर वाकई में जो वाकया हुआ बता रहा हूँ आपको, बुढ़ापे की मरहले को पहुँच गया और उसमें क्या कभी कभी वो अपनी होश खो देता, फिर होश फिर आ जाती थी, कभी होश खो देता, जब होश खो देता तो कुछ पागल की हरकतें बातें मालूम है आपको, ऐसे कई हमारे घरानों में बहुत है नहीं, भूल जाते हैं, किसी को दूसरे नाम से बुला देते हैं। वो आखिरी हालत होती, तकरीबन 90 साल की उम्र उसकी, तो बच्चे सब तंग आ गए, बहू सब की शिकायत होने लगी, बल्कि नाना दादा का एहतराम भी बच्चों के दिलों से उन्होंने निकाल दिया, वो भी छोटे बच्चे भी बोलने लगे कि ये क्या मुसीबत है, इसको हटाओ, बच्चों की भी ऐसी तरबियत कर रहे हैं आजकल, है कि? अब देखते हैं कि बीवी भी नौकरी करने वाली है, शोहर भी नौकरी करने वाला है, कोरोना की वजह से दोनों रूम में बंद, कोई बाहर नहीं आता, उनकी पूरी देखभाल सास करते, बच्चे को भी छोड़ देते, सब तुम संभालो, ये आते ही इन्हें खाने के लिए भी आना मुश्किल है, पढ़ाई को खरीदा, उसके बाद जब इनको जॉब मिल गई ये बिक गए, अब 2400 घंटा कंपनी का काम करते हैं, वालिदैन की खिदमत करने का जज्बा उनके पास नहीं है, वक्त उनके पास नहीं है, फुर्सत उनके पास नहीं है, लाखों में उनकी कमाई है, बिला मुबाला का मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसी घर में रहते हुए माँ से बाप से 5 मिनट बैठकर बात करने की फुर्सत उन लोगों के पास नहीं है। सेम घर में, घर किसका है? वालिद का बनाया हुआ है, वालिदा का बनाया हुआ है, करोड़ों की प्रॉपर्टी, लेकिन ये कौन सी बेहिसी है कि हमारे अपनी जन्नत से हम बात नहीं करते, उनके लिए हम जो है वक्त नहीं दे सकते, इससे बड़ी बेहिसी क्या होती है? बहरहाल तो उन्होंने सोचा कि इस मुसीबत को किसी भी तरीके से जो है हमें छुटकारा पाना चाहिए, तो आपस में उन्होंने इत्तेफाक कर लिया कि जब इसका होश जाएगा तो उस वक्त उसको ले जाकर जो है किसी ओल्ड एज होम में छोड़ आएंगे। तो होश जैसे गया उसको लेकर जो ओल्ड एज होम में जो है छोड़ कर आ गए, और उनसे उन्होंने कहा कि ये इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, रास्ते में ऐसे ही जो है ये किसी को कोई छोड़ के चला गया था तो हम लेकर आए हैं कि नहीं, हमारी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, हम लेकर आए हैं, हाँ इतना हम कर सकते हैं, अगर ये मर जाए तो हमें बुला लीजिए, हम इसकी तदफीन का जो है इंतज़ाम कर देंगे। वो है कि अपना एहसान जाते वहाँ बता रहे, और वो लोग भी समझ रहे हैं कि भाई बड़े भले लोग हैं कि भाई ऐसे एक अनजाने शख्स को जो है लाकर छोड़े, उन्होंने वेलकम किया, ले लिया सारा। अब वो जो वालिद हैं कुछ देर के बाद उनको प्यास लगी तो बेटे का नाम ले रहे हैं, बेटी का नाम ले रहे हैं, बहू का नाम ले रहे हैं, मेरे पानी लाओ पानी लाओ, क्योंकि होश आ गया।
अब आवाज नहीं आ रही। लोगों ने कहा कि भाई किसको आवाज दे रहे हैं, मैं तो मेरे बेटे को बुला रहा हूँ, मेरे बेटे को बुला रहा हूँ, मेरी बहू को बुला रहा हूँ। अरे भैया तुम्हें कब होश संभालो, तुम कहाँ हो, तुम ओल्ड एज हो। अरे ओल्ड एज को मुझे कितना लाया, मैं कैसे यहाँ, मेरे घर में मैं क्यों नहीं। बोला कि ऐसा ऐसे लोग आया था आपको यहाँ छोड़ कर गए। वो समझ गए कि ये मेरे ही बच्चों का काम है। तो उस वक्त हाथ उठाकर उन्होंने दुआ की, अल्लाह मैं कल क़यामत के दिन इनके चेहरे जहन्नम में जलता हुआ देखना चाहता हूँ। अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि जन्नत को इन पर हराम कर दे। अब लियोनियर थे, सारी प्रॉपर्टी उन्होंने अलग अलग तंजीमों के नाम में। इंतकाल हो गया, इंतकाल होने को जब खबर दिए, सारे के सारे जो है खुशी से दौड़ते हुए आए कि चलो आप मुसीबत टली, अब इसको दफनने के बाद उसके बाद विरासत तकसीम करने का मामला करेंगे। जब आए तो पुलिस भी वहाँ खड़ी थी, उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये अलग अलग तंजीमों के नाम उन्होंने की है, आपको नया पैसा नहीं मिलने वाला। बात समझ में आ रही, ये एक वाक्य है। दूसरे वाक्य से हमारी बात हम ख़त्म करेंगे। एक बेटा अपनी माँ से इंतकाम लेना चाहता। हाँ आप सही सुन रहे हैं, आज कई लड़के आज मौजूद हैं जो इंतकाम किसी गलत आदमी से, उसे ने अपने वालिदैन से इंतकाम लेना था। क्या है उनके ख्वाहिशात को पूरी नहीं कर रहे, वो जैसा चाहते हैं नहीं सुन रहे। तो बहरहाल इंतकाम लेना चाहा और उसने एक भयानक जंगल की एक भयानक वादी में अपनी माँ को ले जाकर छोड़ा और कहा कि अच्छे अच्छी बातों से समझा कर ले जा रहा हूँ। छोड़ा, छोड़ने के बाद कहते आप यहाँ बैठे रहे, मैं आ जाता हूँ। वहाँ शेरों की आवाज़ आ रही है, चीतों की आवाज़ आ रही है, भीड़ियों की आवाज़ आ रही है कि नहीं, और चला गया, छोड़कर चला गया। बहुत देर हो गई, घर जाने के बाद उसको मलामत, वो पछताया कि मेरी माँ मुझे मुझ पर उसका इतना एहसान है, इतना उसने मेरी खिदमत की, मैं क्यों उसके साथ इतना बुरा सलूक किया हूँ। तो बहरहाल पछतावा उसको हुआ, उसने कहा कि चलो अब मैं ये शक्ल से तो मेरी माँ के सामने जा नहीं सकता। तो उसने भेष बदला, आवाज़ बदली, इस तरीके से वो गया। और जब करीब हुआ तो माँ समझती कि कोई आ रहा है, तो उसको मुखातिब करते हुए कहते बेटे देखो इस तरफ जो है मेरा बेटा गया हुए, बहुत देर हो गई है, उस तरफ से शेरों की, चीतों की और भेड़ियों की आवाज़ रहे, कहीं वो उसको खाना ले जाओ, उसको बचाओ। एक तरफ बेटा माँ की जान लेने पर तुला हुआ है और दूसरी तरफ माँ का रहम के उसको बचाने पर तुला। तो ये माँ बाप का रहम होता है। चुनांचे माज़ सामईन, अगर वालिदैन की हम खिदमत करेंगे, उनकी दुआएँ हम लेंगे, हमारे आमाल कबूल होंगे। पहली बार हमारी उम्रों में ज़्यादा होगा, मैं दलाइल पेश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वक्त की कमी है, और हमारी सेहत अच्छी होगी। ठीक है, अल्लाह सुबहाना ताला की जो रिजामंदी है, और रिदवानुल्लाह अकबर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिदा रब फी रिदल वालिद, अल्लाह की रजामंदी किस में है, वालिद की रजामंदी में है। और अल्लाह किससे गुस्सा होते हैं, वालिद के गुस्सा होने से गुस्सा होते हैं। तो माज़ा सामईन हमें चाहिए कि जब अगर ज़िंदा हैं गनीमत समझे, उनकी खिदमत करें। अगर उनका इंतकाल हो गया है तो इंतकाल के बाद क्या क्या कर कर हम जो है उनकी खिदमत कर सकते हैं, उनके रिश्तेदारों से अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं, दोस्त अहबाब से अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं, उनके लिए दुआ करना ये भी अच्छा ज़रिया बन सकता है, सदका खैरात करना अच्छा ज़रिया बन सकता है। इन वसाइल को अपनाते हुए जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमें पाला पोसा, उनकी कदरदानी हम करें। और अल्लाह सुबहाना तआला शकूर है अगर हम वालिदैन की कुर्बान कदरदानी करेंगे, उनका के साथ शुक्र के साथ हम पेश आएंगे, अल्लाह सुबहान तआला हमें कैसी औलाद अता करेंगे कि वो हमारे बुढ़ापे में हमारी खिदमत करेंगे, हमारी शुक्रगुजार बनकर ज़िंदगी गुजारेंगे। नाचे आखिर में अदब यानी एक आयत है, उसमें बिलहाल कौलन करीमा में उलमा ने कहते हैं कि बात में अदब होना चाहिए, वालिदैन से बात करते वक्त बात में अदब होना चाहिए। आज बच्चे कमा लिए, कुछ जमा लिए तो क्या था, ए मामू किसको बुला रहे हैं, किसको बुला रहे मामू बोल के, वालिद को बुला रहे, ए चाचा वालिद को मजाक कर रहे हैं, ये सब बद्धा मजाक वालिदैन के साथ, क्या ये जेब देता है मुसलमान को। समझ हमारी बात भी कुल्लहुमा कौलन करीमा, हमारी बात में एहतराम होना चाहिए, एहसान मंदी का जज्बा हमारी बातों में नज़र आना चाहिए। बहरहाल जो भी छोटी मोटी गलतियाँ हमारे से वालिदैन के से जुड़ी हुई होती हैं, हमें जाकर रोकर उनके गोद में पढ़कर जो है माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये मौका जब तक जिंदा है हमें है, अगर उनका इंतकाल हो गया मौका भी हम खो देंगे। अल्लाह सुबहाना ताला हम सबको फरमा बरदार औलाद बनाकर अपने रिजा का मुस्ताहिक बनाए, और उसी रिजा को पाते हुए हम
जन्नत में दाखिल हों और जन्नत में हम अपने वालिदैन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह खुश खुर्रम हों। आमीन व जज़ाकुमुल्लाह खैरन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है।